हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका, आज हम इसमें देखेंगे सर्किट क्यों होता है, जो शॉर्ट सर्किट होता है क्यों होता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ देखेंगे। तो आखिर शॉर्ट सर्किट होता क्यों है? तो भाई सब देखिए, आपने कहीं पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन आखिर क्यों होता है? तो भाई सब, शॉर्ट सर्किट जो होता है वो समटाइम्स जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है, वायर होता है, जो वो मेल्ट होने के कारण, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिकल सप्लाई शट डाउन, ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि इसका किस तरीके से होता है प्रोसेस, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। जो इसके प्री यूज है वो अपन प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो भाई साहब देखिए, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, और ये है आपका फ्यूज, ठीक है, फ्यूज है, और ये जो है आपके रेड कलर की दिख रही है, ये क्या है, आपके लाइव वायर है, और ये जो है आपकी क्या है, नेचुरल वायर है, ठीक है। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 200 है, ठीक है, 200 वोल्ट का इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आया। और जो यहां तक क्लियर है। और जो आपने देखा होगा कि एक ग्राउंडेड वायर वगैरह होती है, तो ये जो है इसे अपन अर्थिंग वायर बोलते हैं, जो कि ग्राउंड से कनेक्ट होती है, ठीक है, ये अपन ने अज्यूम किया है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंडेड वायर है जिसे अपन अर्थिंग बोलते हैं, क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है। और ये जो है एक बॉक्स है, ठीक है, अब इस बॉक्स का काम क्या है आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। और इनके पोटेंशियल डिफरेंस, इनका रेड कलर और लो कलर, रेड और ब्लैक कलर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। वही रेड कलर की बात करें अपन, रेड कलर के पास हाई पोटेंशियल है, और इसके पास जो है ब्लैक कलर के पास क्या है, लो है, ठीक है। ये जो है ये क्या है आपकी अर्थिंग है, बोलो क्या है, ये अर्थिंग है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये जो है रेड कलर की, ये अर्थिंग है, आपने देखा होगा अगर आपके पास ऐसा बॉक्स होगा जो लाइट का है, तो रेड कलर का जो होता है वो क्या होता है, आपके लाइव वायर होता है, ब्लैक जो होता है नेचुरल वायर होता है, और जो एक ऐसा हरा टाइप वायर होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, बोलो, अरे वो आपकी अर्थिंग होती है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आखिर ये जो है ये अब किस तरीके से सप्लाई होता है वो अपन देखेंगे, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा रब करता हूँ और फिर से यही डायग्राम निकालता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये जो है नाम निकालने के लिए क्या किए थे, डायग्राम निकालते, लेकिन अब थोड़ा सा डीप में निकालना पड़े, ठीक है। ये है आपकी ग्राउंड वायर, ठीक है, ये है आपकी लाइव वायर, ये है आपकी नेचुरल वायर, ठीक है। अब देखिए, ये जो नेचुरल ग्राउंड वायर होती है, आखिर ये क्यों लगाई जाती है ये आप देखेंगे, और बहुत सारी यहाँ पे एक स्विच रखेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे स्विच रखते हैं, ठीक है, बटन, ये क्या है आपका बटन, इसे अपन बटन बोलते हैं, ठीक है, समझ लगा। तो यहाँ पे मान लो अपने जो है होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, वैन ऑन, हाँ वो रखेंगे, क्यों, तो भाई साहब ये जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, इसके लिए अपन ये रखेंगे, ठीक है, ये ऐसा, फिर इसके अंदर ऐसे होता है ना, फिर यहाँ पे ऐसा ऐसा, अब यहाँ से क्या, यहाँ से अपने मान लो का
ये पिन है स्विच के अंदर डालने के, ठीक है। ये आपकी लाइव वायर, नेचुरल वायर, ठीक है, और एक यहाँ पे इसे, ओके। अब देखिए ये जो वैन होता है ना, ये जो वैन होता है ये क्या करता है पता है क्या तुम्हें? ये वैन रेजिस्टेंस का काम करता है, क्या करता है? रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये जो वैन होता है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये एक वैन है और ये क्या, क्योंकि ये जो है हीट गर्म होती है, ठीक है। और देखिए आपका मोबाइल गर्म होता है या फिर फ्रिज गर्म होता है तो क्यों होता है, सोचो क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा हुई तो वहां पे क्या होगा, हीट बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए जो वैन है एक रेजिस्टेंस का काम करता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। वो क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, ठीक है। मतलब क्या, एक ब्रेक लाता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो आप रोड से चल रहे हो तो अगर गतिरोधक हो तो अपन कैसे चलते हैं, स्लो चलते हैं, वैसे ही ये है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है, अभी भी बताऊंगा, जब तक दिमाग में नहीं जाता तब तक बताऊंगा रेजिस्टेंस का। देखिए ये ऐसा 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 ऐसा, मान लो आपको सीधा रास्ता जाने के लिए सिंपल है या ऐसे सरिये से सीधा, तो यहां से अपन कैसे जाएंगे, फास्ट। वैसे ही करंट कैसे जाएंगे, यहां से फास्ट जाएंगे, यहां से कैसे जाएंगे, स्लो। क्यों? क्योंकि ऐसे जो घाट जैसे होता है ना, ऐसे 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 क्रॉस, तो इसी से कर्व टाइप जो होता है ना, इसमें क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, टाइम ज्यादा जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पे करंट भी क्या होगा, यहाँ पे टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, गतिरोधक का काम करता है, कौन, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो वायर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे कहीं, यहाँ पे मान लो कहीं पे, यहाँ पे कहीं भी अगर मान लो कि क्या हुआ, अगर यहाँ पे कहीं वायर कट गया तो क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, राइट। तो अगर आपने देखा होगा फ्रिज में कभी कभी शॉर्ट लगता है, ठीक है। तो अगर आपके घर वाले बोलते हैं कि फ्रिज के पास चप्पल लेकर जा, क्यों, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इससे रबर होता है उससे या फिर लकड़ी, इससे करंट जो है पास नहीं होता है, क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वुड हो गया, फिर प्लास्टिक हो गया, फिर रबर वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। ये क्या है, बैड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। जो अब करंट लगा तो जो है, मान लो यहाँ पे अगर वायर कट गया तो अगर करंट इसमें गया तो क्या हुआ, क्या करेंगे, तो अब काम आता है इस वायर का, अर्थ वायर का। तो ये जो वायर है जो उस ऑब्जेक्ट को लग रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अर्थिंग लगते हैं, लगाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट ना लग जाए इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्या लगते हैं, करंट लगते हैं। अब ये बहुत डीप में अपन नहीं जाएंगे, अगर बहुत डीप में गए तो भाई साहब 4 घंटे भी आपको कम पड़ेंगे, ठीक है। मुझे लगता है इस पे पूरी इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है ये पूरी डिपेंड होती है, रेजिस्टेंस किस तरीके का काम करता है, वर्क कैसे करता है, ये सब कुछ, ठीक है। तो इसके कारण अपन आगे डिप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है अर्थ जो होता है ये क्या करता है, लीकर टू करंट ऑब्स्ट्रक्ट, जो करंट जो है वो क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अगर करंट लीक हुआ, ठीक है, अगर करंट जो है लीक हुआ तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए अगर रेजिस्टेंस कम है,
ठीक है। अब ये यहां तक क्लियर है कि अर्थक्विक का ये जो है अर्थ है, इसका काम क्या होता है। अगर मान लो यहाँ वायर कट गया, ठीक है, अगर यहाँ पे वायर कट गया तो इसमें करंट ना लग जाए, इस कारण अपन इसका यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है, बोलो। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि मान लो अब देखेंगे अपन कि आखिर ये क्यों होता है, क्या मेन टॉपिक शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। देखिए आखिर शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, तो देखिए मान लो ये आपकी वायर है, ये एक वायर, यहां पे मान लो अपन ने बल्ब लगा दिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, ये आपकी लाइव वायर है, लाइव वायर, और ये आपकी नेचुरल वायर है, ठीक है, ये आपकी नेचुरल वायर है और ये आपकी लाइव वायर है, ठीक है, लाइव वायर। अब मुझे बताओ अगर मान लो कोई रीजन से, भगवान ना करे, अगर कहीं पे यहाँ पे वायर कट गई तो क्या होगा। यहाँ पे ब्लैक प्लेन यूज करता हूं, अगर यहाँ पे वायर का जो हिस्सा होता है वो कट गया और वायर का यहाँ का भी कट का हो गया और ये आपस में वायर ज्वाइंट हो गई तो क्या होगा। हाँ, एक अगर आप विलेज के हो तो आपको एक याद रहा होगा कि गांव में अक्सर शॉर्ट सर्किट होते हैं, गांव में अक्सर, क्योंकि मैं विलेज का हूं इसके मुझे पता है कि देखो ऐसे तीन वायर होते हैं, कई कई जगह पे चार होते हैं, कई कई जगह पे पांच पे होते हैं, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे मतलब दो वायर ही है ऐसे सुनते, ठीक है। अगर मान लो बारिश के समय ज्यादा होती है, ठीक है, अगर इन दोनों, ये दोनों वायर, ये दोनों तार अगर एक दूसरे से कनेक्ट हुई तो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, यहाँ पे आग लगती है, ठीक है, ऐसे तर तर तर, हाँ ऐसे ही साउंड आता है, तर तर, ठीक है। मैं एक बार अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं एक बार ऐसे ही खेत में है, गांव में विलेज में हूँ, खेत में ऐसे ही गया था, जो मोटर होती है वो ऑन करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट भी इसे समझते हैं, ठीक है, मेरे पाँव में नहीं थी चप्पल, ठीक है, और मैंने लकड़ी, बारिश के समय लकड़ी जो होती है वो ऐसी होती है, भीगी हुई होती है, तो मैंने वैसे ही उस स्विच को ऑन कर दिया, उस स्विच में आ रहा था करंट, तो उसने मुझे क्या कर दिया, ऐसे फेंक दिया, तो भाई साहब ऐसा क्यों हुआ। तो वहां पे जो है मैंने पिछले कंसेप्ट जो बताया था ना कि अर्थिंग, तो वहां पे अर्थिंग नहीं थी, तो उसी कारण क्या हुआ था, करंट मुझे बैठ गया था, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, ठीक है। वैसे ही अगर अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है करंट वायर जो है दोनों छिले हुए हैं, राइट, कट हुए हैं, और इन दोनों जो आपस में आए हैं तो यहाँ पे क्या होगी, आग लगेगी, लगेगी या नहीं बोल, आग लगेगी, राइट, आग लगेगी यहाँ पे, क्यों लगी, क्यों लगी आग, क्योंकि सर ये दोनों छिले हुए, और एक रीजन है इसके पीछे, जब ये छिले नहीं थे तब क्यों नहीं लगी आग। हाँ यार क्यों नहीं लगी, देखो ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब रेजिस्टेंस का काम करता है, बल्ब क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे होते हैं ना, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। वायर जब कटी और ये दोनों आपस में जुले तब रेजिस्टेंस खत्म हुआ, और रेजिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे, देखिए रेजिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे, लेस हुआ, ठीक है, और करंट क्या हुआ यहाँ पे, करंट क्या हुआ यहाँ पे, हाई, ठीक है। जब तक बल्ब था तब तक क्या था, करंट जो है यहाँ पे, बोलो करंट क्या था यहाँ पे, डिवाइड आ रहा था, ठीक है, डिवाइड हो रहा था यहाँ पे, आगे कम हो रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करता है गति, तो
यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ऑब्स्ट्रक्शन लाता है, ठीक है, गतिरोधक की तरह। लेकिन अगर यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस ही कट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट हाई होगा, एंड करंट हाई हुआ तो क्या हुआ उसे स्पीकिंग एंड क्या हुआ अपन को पता है क्या होगा, यहाँ पे करंट कम हुआ तो सॉरी रेजिस्टेंस कम हुआ तो और करंट बढ़ा तो यहाँ पे जो होना है वो होना वो फायर होगा, यहाँ पे आग लगेगी, ठीक है। और अपन को पता है कि क्या I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। अब ये क्यों बताया मैंने, तो देखिए जो कि जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो जो मटेरियल होते हैं जो कि अपन इलेक्ट्रिसिटी से जो शॉर्ट सर्किट होते समय अगर खुद को बचाने के लिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेन पे अगर कोई इंसान चढ़ा तो अगर उसने वायर पे हाथ लगाया तो क्विक सेकंड में वो क्या करता है, टाइटा फिश होता है, ठीक है। तो टाइटा फिश क्यों हुआ, क्योंकि अपनी बॉडी जो है रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसी वक्त अगर आपने देखा होगा कि अगर फ्रिज को कहीं अगर आपने चप्पल पहनी होगी तो आपको करंट नहीं बैठेगा, अगर वही अपन ने विदाउट का चप्पल वहां पे गए तो अपन करंट लगेगा, ठीक है। जो वुड होता है, फिर होता है जो प्लास्टिक की चीजें होती है, ठीक है, जो वो जो है वहां से जो है करंट जो होता है वह पास नहीं होता, वो क्या होता है बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो यही है इसे, ठीक है। तो यहां तक आई होप क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखिए अगर करंट जो है, अगर देखिए अब ये फ्यूज जो होता है, मैंने जो फ्यूज बताया था ना, डायग्राम फिर से निकालना पड़ेगा, अब समझ को लियो, बस समझ के लियो जी। देखिए ये जो आपका फ्यूज है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो मेल्टिंग जो होता है पॉइंट वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूचर वायर है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि जो फ्यूज होता है, अगर फ्यूज शॉर्ट सर्किट के जो है वहां पे क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होता है कि कैसे फ्यूज करता है शॉर्ट सर्किट का सेपरेटर, देखिए भाई साहब कभी कभी क्या होता है कि मान लो अगर ऐसे समझे कि अब मैं प्रैक्टिकली फील करना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे आपका है बॉक्स मेन, ठीक है, यहाँ पे डेंजर, यहाँ से आपने लाइटली फ्यूज पे, ठीक है, फ्यूज, और यहाँ से आपने अपने जो कोई मीटर होगा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, ठीक है, तो उससे आपने टीवी देखी, ठीक है, और फ्रिज चलाया, और मान लो एसी चलाया, ठीक है, और मान लो और कोई बहुत सारी चीजें एक्स वाई जेड लगाई, ठीक है। देखिए करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उतना ही चार्ज जा रहा था, ठीक है, मान लो यहाँ पे इतने नहीं, एक कोई लगा फ्रिज लगा तो सारा करंट कहाँ पे जाएगा इस पे। वही अगर यहाँ पे और इतने सारे चीजें लगाई एकदम सब, तो क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, और यहां से करंट डिवाइड होगा तो इनको क्या लगेगा, करंट ज्यादा लगेगा सभी को, राइट, सभी को उतना ही लगेगा, इसको उतना ही लगेगा जितना पहला चाहिए था, सभी को उतना ही, तो ये क्या होगा, यहां से करंट ज्यादा आएगा और क्या होगी, हीट होगा वायर, हीट, ठीक है। और जब फ्यूज होगा, जब हीट बढ़ेगी तो फ्यूज कैसे होगा, टक टक करने क्या होगा, ये फूटेगा, ठीक है, समझ में आया। तो करंट बढ़ गया तो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है। अगर फ्यूज नहीं मेल्ट हुआ,
अगर फ्यूज नहीं मेल्ट हुआ तो आगे क्या होगा, जो वायर होगा, ठीक है, जो वायर होगा, अगर फ्यूज नहीं मेल्ट हुआ, अगर ये वायर है तो वायर भी क्या होगा, चलेगा, ठीक है। या फिर कोई यहाँ की चीजें भी टाइप हो सकती है, ठीक है। तो ये है फ्यूज का जादू, ठीक है। तो जो फ्यूज होता है कुछ इस टाइप होता है, इस टाइप होता है, कांच का होता है, ठीक है। और अगर करंट हाई, अगर हाई करंट विल फ्लो, तो अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो वहां पे क्या होता है, फायर होता है। अगर वही करंट अगर हाई हुआ, ठीक है, अगर वायर, फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हुआ और जो वेरी हाई करंट उससे जा रहा है, वेरी करंट, बहुत करंट हाई जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, फ्यूज जो है वो उड़ेगा, ठीक है। तो अगर समझा यहां तक, क्लियर है, जो फ्यूज होता है, मेन सप्लाई होता है, मेन सप्लाई से करंट आ रहा है फ्यूज में, फ्यूज से जा रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल है, एसी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, तो सभी को क्या लगता है, करंट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, तो क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट आएगा, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, फ्यूज जो है मेल्ट होगा और उसके कारण ढक करना फूटेगा। आपने देखा होगा कभी कभी फ्यूज जलता है, ठीक है, अगर ये सारी चीजें चालू है तो ये फ्यूज क्या होता है, जल जाता है, ठीक है। तो यही एक रीजन है, ठीक है, ठीक है। तो डू यू नो में आपके क्या दिया है, हाँ, तो ये जो एमसीबी है, एमसीबी, ठीक है, ये जो है जो अगर कुछ बहुत सारा जो है मान लो करंट ज्यादा हुआ तो ये क्या होता है, फूट जाता है, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमसीबी आते हैं, ठीक है। और कभी कभी अब तो क्या हुआ है, ये तो जब फ्यूज यूज भी नहीं करते, उसकी जगह कुछ और ही यूज करते हैं, और जब आई थिंक, ठीक है, आप गूगल में सर्च करना, तो ये जो है जब करंट जो है, जब सप्लाई जो है इंक्रीज होगा, तब स्विच जो है स्विच एंड जो करंट, जब फ्यूज जलेगा तो करंट जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, स्टॉप होगा, ठीक है, यही दिया गया है भाई। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, तो ये जो है डायग्राम समझ में आई होगी कि किस तरीके से अब फ्यूज जो है आता है वो, तो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।